हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूँ सिक्स सेल्व्स बेबी ट्रैक, जो कि है इस बॉक्स में बंद। मैंने इसे अमेजोन से किया है ऑर्डर और अभी आपको दिखाने वाली हूँ मैं इसको पूरा असेंबल करके, अनबॉक्स करके कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसको किस तरह आप असेंबल कर सकते हो। थंबनेल में तो आप लोगों ने पिक देख चुके हो कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिखता है, बट लेट्स अनबॉक्स इट कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिले हैं हमें। तो ये देखो, पैकेट तो ऑलरेडी मैंने खोल लिया था, बट इस पैकेट के अंदर से भी ये देखो डब्बा निकला है एक। एंड सेकेंड, वहू, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट्स टोटली एम्प्टी। सबसे पहले आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है कुछ इसमें इस तरह के स्टिक्स, और साथ में ये देखो चक्का भी दिया गया है। टोटल चार व्हील्स है। खैर, इसको रखते हैं, ये सारा कुछ हम लोग को सेट करने के काम आएगा, इसे देखते हैं। बहुत सारे लोगों को सेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रखा है, आराम से समझा के आप लोगों को बता रही हूँ। बाद बाकी अगर आपको जनरली बस इसको बाय करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, तो बाय लिंक इसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसे बाय भी कर सकते हो। यहाँ पर पीछे में बताया भी गया है कि किस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो, बाद बाकी मैं तो अभी आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ ही। अंदर से निकला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 सेल्व्स, और ये एक क्लॉथ जो कि पूरा सेल्व्स को सेट हो जाने के बाद ये ऊपर से हमें डालना होगा। और बिकॉज ये एक बेबी रैक है, तो इसमें जो प्रिंट्स है वो भी बेबी वाले ही हैं। ये होगा आपका ये फ्रंट का लुक, जिसमें कि पूरा बच्चा 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 ही बना पड़ा है, चौड़ाई वगैरह कुछ इतनी है, बट इसका काम हमें लगेगा थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए सिंपली आपको लेना होगा एक ये प्लेट, और एक ये, उसके बाद ये जो देखिए थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट है और एक ऊपर में छोटा सा पार्ट है, तो ये बड़ा वाला पार्ट जाएगा इसमें। इसको चारों कोनों में कर देना है सिंपली फिट, और उसके ऊपर लगा देना है एक फिर से प्लेट। अगेन सेम प्रोसेस, चार पीस इसे लीजिए, इसको इस कोने में, इसको इस कोने में, चारों कोने में हो गया। फिर से अगेन वही सेल्फ रिपीटेशन। इस तरह से मैंने ये तीन पीस को सेट किया है, उसी तरह बाकी बचे हुए तीनों को भी सेट कर लेते हैं। अभी जस्ट सेट करते करते मुझे ये एक्स्ट्रा पार्ट्स भी मिले जो कि बाकियों से अलग है। ये देख सकते हो, इसके आगे में ना इस तरह करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, और ये दो चीज़ मिले हैं एक्स्ट्रा, एक लंबा सा पाइप मिला है, और ये चार पीस जो हमारा व्हील्स था तो वो तो है ही। ये हमारा पूरा 6 सेल्व्स का रैक बन के तो तैयार है, बट इसके ऊपर हमें इस तरह का सेल्व जो घर टाइप का होता है ना, ऐसा टाइप का बनाना है। इसे लेंगे, एक छोटू सा ये है उसको लेंगे, और इसको कनेक्ट कर देंगे ये दोनों साइड। ये देख सकते हो, दोनों घर टाइप का बन चुका है। इसको हम लोगों ने देखो इस तरह से सेट कर लिया। अब आता है सबसे ज़रूरी पार्ट, जो कि है ये चारों का। इसमें देखना, इसका थोड़ा सा अलग सा शेप होगा, तो यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो ये जो मुड़ा हुआ शेप है इसको घुसाना है इन कॉर्नर्स में, ताकि ये ट्रायंगल का शेप ले ले। ये देखिए कुछ इस तरह हो गया ये ट्रायंगल शेप। नाउ दिस वन कम्प्लीटेड। ये हम लोगों ने पूरा सेट कर लिया है। अब बारी आती है इसके ऊपर लगाने का ये कवर। तो इस कवर को पहले करते हैं ओपन। टॉप पॉइंट कुछ इस तरह का है ऐसे। इसको ऊपर पहनाते वक्त आपको आराम से पहनाना होगा, थोड़ा सा देख करके, ताकि भाई कपड़ा वपड़ा फट ना जाए। ऐसे ही इतना जल्दी फटने वाला कपड़ा है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा आहिस्ते आराम आराम से।
वाह, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम परफेक्ट। यहाँ पर से भी खोलने का जगह है, दिखाते हो, ये देखो यहाँ पर आप लोग कुछ कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हो। इतना स्पेस आपका एक कोई भी जनरल सामान रखने के लिए, बच्चों का लाइक पाउडर क्रीम कुछ भी, क्योंकि बच्चों के रूम में रखने के लिए ये बहुत परफेक्ट है। प्रिंट काफ़ी प्यारा है। नेक्स्ट है, सारा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो, और जब ज़रूरत ना हो तो आप इसे लॉक करके भी रख सकते हो ताकि गंदा वंदा ना हो जाए। बात बाकी यार बहुत ही परफेक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसकी क्वालिटी। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये तो जो है सो है ही, इसके अलावा भी यहाँ साइड में दिया हुआ स्पेस जिसमें कि आप लोग सामान को रख सकते हो, और एक ही साइड नहीं दोनों साइड है। ये देखिए इधर भी ये सामान रखने का जगह दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, आप लोग आराम से इसको इस तरह उठा सकते हो। और अगर सामान वगैरह रखा हुआ है तो आप लोग इसमें जैसे चक्का लगाने का भी सिस्टम है, यहाँ पर ये जो चक्का है यहाँ नीचे लगाने का इस तरह कुछ ऑप्शन रहता है, तो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी चक्कों की ज़रूरत है नहीं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो इन चक्कों को लगा सकते हो, चक्कों की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, मस्त है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि जब मुझे मन करेगा तब मैं चक्कों को लगा लूँगी। बाकी आपको दिखा दिया मैंने ये प्रोडक्ट, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की भी। कपड़ों की क्वालिटी तो खैर काफ़ी अच्छी है, अगर बात करूँ सेल्फ्स की क्वालिटी की तो सेल्फ्स भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। प्लास्टिक के ही बने हुए हैं, बट एक अलग सा जो होता है ना कचकड़ा वाला प्लास्टिक, वैसा नहीं है कि कड़क करके टूट गया, काफ़ी सही है, लचीलापन है इसमें। आवाज़ से आपको शायद पता चल पा रहा होगा। और इवन इसका जो चैन वगैरह भी है ये भी काफ़ी फ्री है, ये देख, कितना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इसको ख़राब नहीं कर पाएंगे इजिली। और अगर गंदा हो जाता है तो आप लोग उसको धो भी सकते हो, तो इट्स अ परफेक्ट थिंग, आप लोग अपने घर के लिए बाय कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है आपको नीचे बाय लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन है प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इतना ही अच्छा प्रोडक्ट मिले तो जो बाय लिंक मैंने प्रोवाइड किया वहाँ से लीजिए, ताकि आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिले। अदरवाइज़ कभी कभी होता है कि आप लोग खुद से जाके ले लेते हैं, बाद में आपको ख़राब मिलता है और फिर आप लोग कहते हैं कि यार को तो अच्छा मिला ही नहीं, आपने कौन सा प्रोडक्ट दे दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने इस तरह के और भी सेल्फ्स वाले प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रखे हैं, अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर से देखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।